नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 18 जून से शुक्र वृषभ राशि में होंगे। बुध पहले से ही वृषभ राशि में है तो बुध और शुक्र का मिलन होगा, यानी श्री लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। बुध और शुक्र की आपसी मित्रता है, वृषभ राशि शुक्र की अपनी राशि है और स्वयं की राशि है, तो यहाँ पर शुक्र बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। इस योग के कारण आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, नारायण की कृपा मिलेगी। महालक्ष्मी योग भी कहते हैं इस योग को, श्री लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं, कुछ लोग धन योग भी कहते हैं, कुछ लोग महाधनी योग भी कहते हैं। बुद्धवाणी है, संवाद है, बुद्ध जो है बुद्धि है, शुक्र सुख है, समृद्धि है। यह योग बेहद ही शानदार होगा, आपके जीवन काल में धन आगमन के कई नए रास्ते खोल देगा, संपन्नता आएगी, पति पत्नी के बीच के रिश्ते मजबूत होंगे, पति पत्नी के बीच का तनाव दूर होगा, वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा, मन मुटाव खत्म हो जाएगा, घर की अशांति जो भंग चल रही थी वहां पर नारायण की कृपा होगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जो पैसे की तंगी थी, गरीबी थी, वो दूर हो जाएगी, बदहाली दूर हो जाएगी, इस योग से आपकी परेशानियां दूर हो जाएगी। घर में पति मारता था, पीटता था, शराब पीता था और पत्नी पीड़ित थी, परिवार पीड़ित था, कई घर में पत्नी ने बहुत तांडव मचा रखा था, परिवार को दुखी कर रखा था, चाहे पति खराब हो या पत्नी खराब हो, दोनों की बुद्धि अब सद्बुद्धि में बदल जाएगी और एक दूसरे से प्रेम करने लगेंगे और प्यार भरा जीवन बिताने लगेंगे। शुक्र और बुध दोनों ही शुभ ग्रह हैं। 18 जून से महीने के अंत तक या कहें 2 जुलाई तक बेहद ही शानदार वक्त होगा। आपकी लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, नौकरी व्यापार में सफलता मिल जाएगी और आप बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है, सभी राशियों पर इसका अपना अपना प्रभाव पड़ेगा। कुछ राशि वालों के लिए तो डबल राजयोग हो जाएगा, मालव्य योग का भी निर्माण हो जाएगा और लक्ष्मी योग भी बनेगा, यानी कि एक हाथ दीजिए और 10 हाथ लीजिए, ऐसी स्थिति हो जाएगी, यानी 1 रुपए लगाइए और 1000 रुपए कमाइए, ऐसा बढ़िया योग है ये। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिए, नारायण को प्रसन्न करिए और फिर देखिए ये योग जब फलित होगा तो आपके जीवन में खुशियों की बारिश होगी, खुशियों के बादल फटेंगे, बहुत ही आनंद का वक्त होगा। अब जानते हैं आपकी राशि के लिए यह योग किस प्रकार से फलित होने वाला है और आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई दुख है तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने की। आइए अब बात करते हैं आपकी राशि की। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। आपकी राशि के लिए श्री लक्ष्मी नारायण योग पंचम भाव में बनेगा, जैसा कि आप गोचर कुंडली में देख रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन जिंदगी है जो आप जीने वाले हैं, ये वक्त बहुत ही बेहतरीन होगा, जून से जुलाई बहुत ही बढ़िया होगा, शानदार वक्त होगा, आपके पास सफलता पाने के सभी मौके होंगे, आपको असाधारण क्षमता सफलता मिलने वाली है, आपके अंदर असाधारण क्षमताएं होंगी, तेज दिमाग होगा, बुद्धिमान होंगे, मौज मस्ती के साथ वक्त बिताएंगे। आपकी शादी तय हो गई है तो संतान का जन्म हो सकता है, आपकी शादी हो गई है तो घर में पुत्र पुत्री का जन्म हो सकता है, आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी के योग बन जाएंगे, आपके घर में जुड़वा संतान होने का भी योग बनता है। आप जहां जाएंगे वहां पर लोगों को अपना दीवाना बना लेंगे, देखने में सुनने में आप आकर्षक होंगे, लोग आपको आपसे मिलना, आपसे जुलना, आपसे बात करना पसंद करेंगे। आपके पास इस वक्त में इतना ज्ञान होगा, ज्ञान के अलावा आपके पास विज्ञान भी होगा, जिससे आप हर प्रकार की सफलता पा लेंगे, जल्द सफल हो जाएंगे, वक्त से पहले आने वाले वक्त को पहचान जाएंगे और जल्दी सफलता के हकदार बनेंगे, लोग सोचते रह जाएंगे और आप काम करके आगे निकल जाएंगे। आप अधिक से अधिक चीजों को खोजेंगे, अधिक से अधिक चीजों का लुत्फ उठाएंगे, कामयाबी प्राप्त करेंगे, खोजबीन करेंगे और अपने हक की सफलता ले जाएंगे। आपके अंदर सफलता पाने की चाहत होगी, आपके अंदर सफलता पाने की लत होगी, आप आकर्षक और दिल खुश इंसान होंगे, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, आपके पास ज्ञान का भंडार होगा, आप विज्ञान और कला दोनों की तरफ से दुनिया को देखेंगे, एक आंख से विज्ञान होगा, एक आंख से धर्म होगा, आपके अंदर अंतर ज्ञान बढ़ेगा, यानी आपको पता चल जाएगा कि कब क्या कैसे हो सकता है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बढ़िया है, क्या मेरे लिए बुरा है, सभी चीजों पर बराबर दृष्टि डालेंगे और आप देखते चले जाएंगे कि आपके काम बनते चले जाएंगे।
आपको जीवन में जो चाहिए वो मिलने वाला है। ये लक्ष्मी नारायण योग आपको वो सब कुछ दे देगा, क्योंकि आपके पास धन भी होगा, पैसा भी होगा, सफलता भी होगा। आप जीवन की गहराई को समझेंगे, आपके पास हर प्रश्न का उत्तर होगा। आपको यह योग आत्मविश्वासी बनाएगा, आशावादी बनाएगा, आकर्षक बनाएगा, समाज में बढ़िया रुतबा दिलाएगा और आप बहुत कुछ पाते हुए, खाते पीते हुए जिंदगी को बिताएंगे। बुद्धिमान होंगे, बुद्धिमान लोगों से मिलना जुलना होगा, अपने बॉस के करीब बैठकर आपकी मीटिंगें होंगी। आप जवान रहेंगे, जवान आपकी जवान यानी यंग रहेंगे और जवान लोगों के साथ उठे बैठेंगे। बुढ़ापे वाली ना बात होगी, ना बुढ़ापे वाला शरीर होगा, ना बुढ़ापे वाला काम होगा, जिंदा दिल इंसान होंगे। आपको भविष्य और वर्तमान दोनों के बारे में पता होगा कि आज क्या करना है, जो आज करूंगा तो उसका कल रिजल्ट क्या मिलेगा, ये भी आपको पता होगा। सही तरीके से आप फैसले लेकर काम करेंगे, खुशहाल, धनवान, बुद्धिमान होंगे। लॉटरी, जुए, सट्टेबाजी में लाभ प्राप्त हो सकता है, शेयर मार्केट में लाभ प्राप्त हो सकता है, इश्कबाजी में दिल बहुत लगने वाला है। रोमांटिक दुनिया के मालिक होंगे, मजेदार मनोरंजक पलों का आनंद लेंगे, जीवन सुखद होगा और सुखद हवा की लहरें आपके जीवन को प्रभावित करेंगी। आपका जीवन ऐसे बहता चला जाएगा जैसे मानो ईश्वर ने चारों तरफ से सुनहरी लहरें चला दी हों और लहरों में भी खुशबू हो और मनमोहक वक्त हो। बेहद कामुक होंगे, चंचल होंगे, अपने प्यार का इजहार करेंगे, यानी किसी से प्यार करते हैं तो उसको बता देंगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं या करती हूं, अब डर नहीं होगा। किसी को भी कभी भी अपना बना लेंगे, ये गुण आपके अंदर होगा, जो आपके सामने आ गया वो आपका दीवाना हो जाएगा। सुंदर लोगों के बीच में घिरे रहेंगे, रोमांस का मजा लेंगे, लव मैरिज करते हैं तो माता पिता का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, भाग के शादी मत करिएगा या छुपा के शादी मत करिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे, आपकी सेहत का आपको ध्यान रखना होगा, चरित्र को मजबूत रखना होगा, आपका वैवाहिक जीवन का तनाव दूर कर देगा ये वक्त शिक्षा के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता देगा, परिवार में मान सम्मान मिलेगा, देश विदेश में बड़े स्कूल कॉलेज में अच्छे आपको दाखिले मिल सकते हैं, जो आपको वक्त चाहिए था वो ये वक्त देकर देगा। जी खोल कर आप जीवन का मजा लेने वाले हैं, परिवार को और मजबूत स्थिति में लेकर जाने वाले हैं, वैवाहिक जीवन प्रेम संबंध में आपको कोई कमी नहीं होगी, सैर सपाटा शिक्षा लॉटरी जीत पाएंगे और बस गलतियां नहीं करनी है, ये वक्त आपके लिए बढ़िया है। भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की अनुकंपा आपके ऊपर बरस रही है, आपको आगे बढ़ते चले जाना है, आपको पीछे मुड़कर देखने की कतई आवश्यकता नहीं है, ये वक्त आपके लिए शानदार है। अगर आप इस समय में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आपको अपने दिमाग को साफ रखना है, अपनी सोच को साफ रखना है, आपको वही करना है जो सही है, आपको वही सोचना है जो सही है, क्योंकि माँ लक्ष्मी कहाँ पर निवासती है, माँ लक्ष्मी कहाँ पर अपना स्थान जमाती है, जहाँ पर स्वच्छता हो, जहाँ पर इंसान खुशहाली में रहे, चिक चिक किच किच पिक पिक में माँ लक्ष्मी का स्थान नहीं होता। भगवान विष्णु वही आते हैं जहाँ पर प्यार हो, मोहब्बत हो, उस घर में वो आते हैं, उस घर में वो अपनी खुशियों को बिखरा देते हैं। तो आप अपने घर को अच्छा रखिए, अपने घर की चीजों को अच्छा रखिए, घर की साफ सफाई अच्छी रखिए, यकीन मानिए ये लक्ष्मी नारायण योग आपके जीवन में लक्ष्मी की पूरी पूरी कृपा करेगा और नारायण की कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर होते चले जाएंगे और आप मुस्कुराएंगे, आप खुश हो जाएंगे, ये बहुत ही आनंद का समय है। शुक्र को अच्छा रखने के लिए अपनी पत्नी का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, गौ माता की सेवा करें और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने दिमाग और दिल को साफ रखें, बुरा बोले नहीं, बुरा सोचे नहीं, बुरा करें नहीं और कहीं पे भी ऐसे लोगों का साथ ना दें जहां पर बुराई हो, इतना कर लीजिए बढ़िया है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बेहतरीन स्थिति में है तो ये वक्त आपके लिए बहुत बढ़िया है। ये शानदार योग आपको जून से शुरू होगा और जुलाई की शुरुआत को भी धमाकेदार करेगा। फिर भी अगर आप परेशान हैं, कोई समस्या है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली की जाँच करा सकते हैं ताकि आप 100% सुरक्षित रहें और आप और आपका परिवार कभी किसी कष्ट में को ना भोगे। कुंडली की जाँच कराने का मतलब होता है कि ग्रहों को मजबूत करके जीवन को सुरक्षित बनाना। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपका परिवार कोई दुख ना झेले तो अपनी कुंडली की जांच करा सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।